गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ आलू और मटर के छोले। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मटर ले लिया। मटर को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दी हूँ। ये अच्छे से गल चुका है। उसके बाद मैं इसको 2-3 पानी से धुल ली। धुलने के बाद इसको कुक करने के लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब उस मटर को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी। उसके बाद मैं इसको पानी डालने के बाद मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी। गैस पे चढ़ाने के बाद इसको 2 से 3 सीटी आने तक छोड़ दूंगी। देख सकते हो 2 से 3 सीटी लग चुका है। यहाँ मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर गल गया है या नहीं गला है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको मटर दिखाती हूँ। मटर अच्छे से गल चुका है। अपने हाथों से तोड़ के भी दिखाती हूँ, मटर अच्छे से गल चुका है। उसके बाद ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर तैयार कर लेती हूँ। मसाले के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज चॉप कर ली हूँ और 2 टमाटर को भी चॉप कर ली हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक को भी कद्दूकस कर ली हूँ और 4 से 5 हरे मिर्च बारीक कट कर ली हूँ। उसके बाद इसमें 2 तेज पत्ता और 2 लौंग। यहाँ आप देख सकते हो मैंने पैन गैस पे रख दिया। पैन मेरा गर्म हो चुका है। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालूँगी। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। उसके बाद इसमें डालूँगी 2 तेज पत्ता और 2 लौंग। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा। इन सबको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें प्याज चॉप किया हुआ डाल दूँगी। उसको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी प्याज को। आप देख सकते हो यहाँ प्याज हल्का सा पक चुका है। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पर मैं भून लूँगी। बाद इसमें ऐड करूँगी कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक। इन सबको मैं इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। आप देख, यहाँ मेरा लहसुन और अदरक प्याज अच्छे से भून चुका है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसालों में मैंने पहले इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद मैं 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सबको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी, यहाँ मैं ऐड करूँगी टमाटर का प्यूरी। टमाटर का प्यूरी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी मसाला पकाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया। मसाले को अब मैं लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। यहाँ आप देख रहे हैं मसाला मेरा अच्छा। देख सकते हो मसाला मेरा पक चुका है। 3 से 4 मिनट हो गया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू और मटर। इन सबको मिक्स करने के बाद देख सकते हैं यहाँ आलू और मटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ग्रेवी के लिए, जितना मुझे रखना होगा ग्रेवी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट ढक के पका लूँगी।
3 से 4 मिनट हो चुके हैं, छोले बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोग को इसको चला के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको चाहे रोटी या चावल पूड़ी किसी चीज़ से भी खा सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी बना था। आई होप आप लोग को हमारा मटर के छोले की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।